आज मैं आपको बताऊंगी साबुदाने का पापड़ बहुत ही नए तरीके से। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए अब चलते हैं वीडियो की ओर। पहले हमने साबुदाना को भिगो दिया है, इसको हम रात में ही भिगो दिए थे, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये फूल चुका है इसमें। अब हम इसको मिक्सी में रख कर पीस लेते हैं। इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि मिक्सी हमारी आसानी से चल सके। अब साबुदाना हमारा बहुत अच्छा पेस्ट बन के रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसको हम एक भगोने में निकाल कर रख लेते हैं। अब हम ले लिए हैं 4 आलू, इसको हमने छील लिया है। अब इस आलू को हम क्रश कर लेते हैं। क्रश किए हुए आलू को अब हम मिक्सी में रख लिए हैं और इसको पीस लेते हैं ताकि ये हमको छानना नहीं पड़ेगा। अब आलू का भी बहुत अच्छा पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसको हम साबुदाने के पेस्ट में मिक्स कर देते हैं। अब हम बने हुए पेस्ट में पानी डालकर अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं और ये अब कितना पतला होना चाहिए आप देख सकते हैं। अब इसको हम गैस पे रख देते हैं उबलने के लिए। अब इसको अच्छे से लगातार चलाते रहना है ताकि ये नीचे से पकड़ने ना पाए। अब हमारा साबुदाना पककर रेडी हो चुका है, इतना ही पतला अब हम उतार लेंगे। अब इसको हम रख देते हैं ठंडा होने के लिए, तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। अब इस पेस्ट को हम बड़े तसले में रख दिए हैं ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। अब हम जीरा, काला नमक और काली मिर्च पीस लिए हैं और इसमें हम 1 चम्मच अजवाइन भी डाल देंगे बिना पीसे ही। अगर आप चाहें तो इसमें गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं तीखा करने के लिए, लेकिन मुझे ये सब नहीं डालना है, बस ये जो हमने तैयार किया है वही डालना है क्योंकि हमारे वहाँ तीखा और मसाला लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। अब इसमें हम पिसा हुआ मसाला डाल के मिक्स कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें कलर भी डाल सकते हैं, मार्केट में इसका हर कलर आता है, आप जिस कलर में बनाना चाहें उस कलर में बना सकते हैं। मसाले के साथ हमने काला नमक तो डाल दिया है लेकिन इसमें हम थोड़ा सा सिंपल नमक भी ऐड कर देते हैं। अब ये हमारा पेस्ट एकदम पापड़ बनने के लिए रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं छत पर, एक पॉलिथीन फैला लेते हैं। अब हम पॉलिथीन को अच्छे से बिछा कर चारों कोने पे ईंटा से दबा दिए हैं ताकि इसमें उड़ने का चांस ना रहे पॉलिथीन। अब हम ऑयल ले लिए हैं और काटन की मदद से हम ऑयल पॉलिथीन पर लगा देंगे। ताकि ये चिपके ना।
आसानी से छूट जाए। और अब इस तरह हम पापड़ अपना तैयार करेंगे। पूड़ी जैसा स्टैंडर्ड साइज हम बना देंगे। अब हमारा पापड़ बन गया है। 250 ग्राम साबूदाना और 4 बड़े साइज़ का आलू हमने लिया है। इसमें करीब 90 पापड़ बनकर रेडी हो चुका है। ये दूसरे दिन 4:40 हो रहा है शाम को। ये हमारा पापड़ सूख के तैयार हो चुका है। अब हम इसको चलते हैं, छानते हैं, देखें कैसा हुआ है। हम कढ़ाही रख दिए हैं गैस पर गरम होने के लिए। अब हम पापड़ छान के देखते हैं कि हमारा पापड़ कैसा तैयार हुआ है। पापड़ हमारा बन के रेडी हो गया है। बहुत अच्छा पापड़ हमारा बन के तैयार हुआ। अगर वीडियो हमारा पसंद आया हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अब हम चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।